नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज सागर जिले के बिलहरा में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिलहरा के आसपास के गांव सहजपुरी, खमरिया, बिछुआ, पनारी, हीरापुर, सिमरिया आसपास गांव के मुस्लिम भाइयों ने बैठक में शिरकत की, जिसमें जिला अध्यक्ष आरिफ खान ने बैठक को संबोधित किया और संगठन के बारे में तमाम जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष आरिफ खान संबोधित करते हुए कहा, हमारा संगठन गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है। आज की बैठक में मुख्य उद्देश्य था, आसपास के गांव में मुस्लिम वर्ग के परिवार अशिक्षित हैं, उन्हें सरकार सेवाएं प्रदान कराना, जिसमें विधवा पेंशन और अपने बच्चों को पढ़ाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उन लोगों को संगठन से सहायता मुहैया कराना जो लोग बीमार हैं, इलाज करने में असमर्थ हैं, उन्हें संगठन की मदद से सहायता देना। और हमारा संगठन कल से गांव-गांव जाकर मुस्लिम वर्ग के परिवारों से मिलेगा, संगठन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर सामाजिक सेवाएं देंगे। कमेटी के अध्यक्ष अंसार खान आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित सोहराब हाफिज, आसिफ पठान, नासिर पप्पू भाई, इमरान खान, हुसैन खान, साविर खान, राजू भाई, सहबान खान, बशीर खान, हैदर खान, बादशाह अली, मुस्ताक खान एवं अनेक मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। सागर बिलहरा से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन से हूँ, जिला अध्यक्ष। इस संगठन का उद्देश्य है सभी समुदाय के मुस्लिम जाति वर्ग के पूरे लोगों को एक करना। मतलब मुसलमानों के अंदर समुदाय में जितनी भी जाति आती है सबके लिए इस संगठन में जुड़ना है, ताकि हर तरह से आपके लिए सेवाएं प्रदान कर सके। कोई भी मुस्लिम है अगर किसी के लिए मान के चलो मिट्टी की जरूरत है, चाहे इसमें में अगर दिक्कत है, शादी में अगर किसी भी जैन मुस्लिम के लिए जरूरत है तो संगठन से वो मदद मांग सके। इस संगठन में जितने भी मुस्लिम भाई हैं सभी के लिए सदस्यता लेनी है, ताकि संगठन को आगे बढ़ाया जा सके। हमारा संगठन है गैर राजनीतिक। मैं हूँ संगठन का जिला अध्यक्ष आरिफ खान, जैसे कि आप सब लोग मुझे जानते हैं। इस संगठन की बैठक हर शहर, हर गांव, हर तहसील में होगी, जिसमें सभी मुस्लिम भाई लोगों को सदस्यता लेनी है। इस संगठन में जुड़ने से आपके लिए ये लाभ मिलेगा, जो भी सेवाएं हैं शासन की वो आपको संगठन के द्वारा, लोन से संबंधित है, मान लीजिए किसी के लिए पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन है, लोन का नहीं हो पा रहा है, कोई भी सरकारी सेवा है वो अगर नहीं मिल पा रही है, तो इस संगठन के जरिए आप अगर संगठन से बोलोगे तो वो आपका काम आगे बढ़ते हो जाएगा। कहीं पर भी मस्जिद की जगह है, कब्रस्तान की जगह है, अगर अवैध रूप से उसका अतिक्रमण चल रहा है तो संगठन के जरिए उसका संगठन खुद केस लड़ेगा, संगठन उसके लिए खुद आगे तक भेजेगा। संगठन में सब मंत्री जन, नेता, मतलब ऊपर के अहदेदार जितने जो भी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जकीर रहमान साहब, खुद कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, सब इसमें मतलब इन्वॉल्व है, ताकि संगठन के लिए, मुस्लिम जाति के लिए आगे बढ़ाया जा सके। इसमें सब आप सब भाई लोगों को शिरकत करनी है। सिर्फ संगठन का आज हम आपको परिचय दे रहे हैं, अभी अगले 15 दिन में हम संगठन की सदस्यता के लिए सबके लिए फॉर्म भराएंगे, आप सभी लोगों के लिए इसमें सदस्यता ले लेंगे। ठीक है भाई, मान के चलो अगर कोई मुस्लिम भाई है गरीब घर से है, अगर उसके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं है तो वो संगठन से मदद ले सकता है, मतलब निष्फकर होकर संगठन से वो मदद ले सकता है। किसी भी प्रकार की भी दिक्कत है, किसी मुस्लिम भाई का शोषण हो रहा है अदर समाज से, वो नहीं बोल पा रहा है, दब रहा है, तो संगठन के माध्यम से उसकी बात सरकार तक आगे उसके हक में लेके जाएगी। संगठन समझ गया ना, संगठन का गैर राजनीतिक है, हमें पार्टी से और किसी से कोई मतलब नहीं है, ये सब मुस्लिम भाइयों के लिए है, ना किसी पार्टी का नहीं है, और सब समुदाय के लोग इसमें जुड़ेंगे।
तो सब इसमें सदस्यता लेंगे। मान के चलो अगर किसी के लिए दवाई की जरूरत है और ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है, कभी कभी सब देखते ही है दिक्कत आती है, तो आप संगठन में रहेंगे तो एक ब्लड बैंक ये भी बहुत बड़ा है कि संगठन में अगर हम एक मैसेज डाल देंगे सोशल साइट पे तो उसके जरिए आपके लिए वो मदद मिल जाएगी। कोई भी भाई है, कोई भी जिले में है, अगर उसके लिए गुजारा पास्ता कुछ हो जाए तो आप अगर किसी गैर से ना कहकर संगठन में एक बार रहेंगे तो वो आपके लिए मदद के लिए चला जाएगा। हालत क्या है किस हद से बद से बदतर होती जा रही है, इसकी वजह क्या है कि हमारा एक ना होना या किसी एक संगठन से ना जुड़ना। हमारा कोई संगठन नहीं कहता और बिना संगठन के अपनी आवाज की पता नहीं जा सकती, अपने काम नहीं हो सकती। आज हम परेशान हैं, आज छोटे से छोटे काम के लिए हमें उठाना पड़ता है, जाना पड़ता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। कोई पार्टी, कोई सरकारें या कोई अधिकारी किसी भी विभाग में जाओ तो अपने काम बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। और क्यों? क्योंकि हम अकेले जा रहे हैं, अपना काम लेके हम खुद जा रहे हैं, या कुछ तालुक बन के यहाँ पूरे हो रहे हैं, उसे विनती कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमारी बात पर ध्यान नहीं देती। क्योंकि संगठन के माध्यम से भी हमारी बात जाएगी तो वो ज्यादा बहुत मजबूती से संगठन के माध्यम से कोई भी बात जाए, अपना भाई है, किसी भी तरह से परेशान है, उनका कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सरकारी काम नहीं हो रहा है, या व्यक्तिगत रूप से परेशानी आ जाती है, 4 मिनट की हो गई, अपना समाज जो है बहुत मतलब। जिला अध्यक्ष जी, आज आपकी बैठक का क्या उद्देश्य था? हमारी बैठक का उद्देश्य था मुस्लिम वर्ग के जो परिवार लोग हैं उनके लिए आर्थिक मदद पहुंचाना, जैसे अपनी बेटी हैं, बेटियां हैं, उनके लिए बढ़ाना, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन है हमारा, साथ में उन बहनों के लिए जिनके लिए विधवा पेंशन नहीं मिल रही उनके लिए पेंशन मुहैया कराना। हमारे मुस्लिम वर्ग में कम अशिक्षित लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो अशिक्षित मतलब हैं, उनके लिए शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाना और संगठन से जुड़ने के बाद उनके लिए जो भी सेवा है वो मुहैया कराना शासन के साथ में, ये हमारा मूल उद्देश्य था। आज की बैठक में हमारे 5 ग्राम के मुस्लिम भाई इकट्ठे हुए जिनके लिए संगठन के बारे में जानकारी दी जिससे उनके लिए आगे चल के लाभ मिल सके। जी बहुत धन्यवाद।